हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ चैक्स। तो रात के बज गए हैं 2:26 और लेट हो गया है। मैं यहां पे आपके लिए लेके आया हूं रेडमी नोट 5 प्रो के लेटेस्ट MIUI 9 के 964 की फुल कंप्लीट रिव्यू। और इसको शूट करने में भाई बहुत टाइम लगा है, 8 घंटे के अप्रॉक्स मान के चलो कि मुझे लग गया है इस पर पूरा काम करने में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और वीडियो पूरा एंड तक देखना, लाइक करना, कमेंट करना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पे दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीन पर एक टाइमिंग शो होगी, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम लगा है इस वीडियो को बनाने में, तो आपको भी ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो वैसे में आप जो चीज़ चाहो पहले आप वो देख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो बात करें कि हमें इस अपडेट के अंदर क्या मिला है, तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बस हमेशा वाली कहानी के पुराने बग फिक्स किए गए, नए फीचर डाले गए। तो क्या क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। तो अभी जो है, अगर मैं आपको लेके चलूँ इसके अबाउट सेक्शन में, तो डिवाइस इन्फो के अंदर चलते हैं, सॉरी डिवाइस इन्फो नहीं, यहाँ पर चलते हैं इसके एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट, और यहाँ पर देखेंगे हम लोग व्हाट्स न्यू। तो ये छोटा सा चेंज लॉग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ के अंदर APTX की सॉफ्टवेयर अपडेट की गई है। लो कैमरा आगे ला देता हूँ। APTX की सॉफ्टवेयर अपडेट की गई है। तो पहले कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ होता था? तो भाई पहले यूज़ होता था A2DP, ठीक है। A2DP से ज़्यादा अच्छा इसमें आपको ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिलेगा, लेकिन हेडफोन जैक के अंदर बग आ गया भाई। यहाँ पर पहला बग हेडफोन जैक के अंदर बग आ गया है, जो कि कब फिक्स होगा मुझे नहीं पता, मतलब अगले अपडेट में ही होगा। कैमरा के अंदर जो 1.5x का जूम मिलता था पोर्ट्रेट में लो इमेज कैप्चर करने के लिए, वो अभी भी नहीं आया, और आई डोंट थिंक कि अब वो कभी आने वाला है। और यहाँ पर 9.6.3 से तो बेहतर है ये कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में नहीं है। 30 FPS की वीडियो आप 1080p तक इससे शूट कर सकते हैं, जैसा कि पहला था। इसमें यहाँ पर आपको कोई भी नया अपडेट देखने को नहीं मिला। यहाँ पर सेटिंग के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ वही है जो पहले था, मैक्सिमम 1080p, उससे ऊपर ये आज भी नहीं जा पाया। HD में PUBG नहीं चलता है इसके अंदर, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। और नेट स्पीड इसके अंदर ठीक है, ओके नेट स्पीड सही है, डुअल 4G पहले की तरह वर्क कर रहा है, और फेस अनलॉक जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले अच्छा काम करता है। फेस अनलॉक इतना ही इम्प्रूव हुआ है कि देखो, देख रहे हो, फेस अनलॉक लो लाइटनिंग कंडीशन में भी अच्छा काम करता है। उसकी भी मैं आपको एक प्रूफ यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो अभी मेरे रूम के अंदर कोई लाइट नहीं जल रही है, मतलब चल रही है जो भी है। तो यहाँ पर मैंने इसे लॉक किया, और ये देखो मेरा हाथ दोनों यहाँ पर है, मैंने कहीं से भी पावर बटन पर टच नहीं किया है और कुछ भी नहीं किया है, बस मेरा फेस आना चाहिए सामने और ये लॉक खुल रहा है। तो इसको कहते हैं भाई रेडमी की इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लाइट दे दिया, तो ये है रेडमी की इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ तक तो सब कुछ एकदम चकाचक है। बात करें बैटरी की, तो मैंने बैटरी की कंप्लीट टेस्ट की, PUBG की कंप्लीट टेस्ट की, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे फोटोज़ देखे, तो उनकी वीडियो आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ कैमरा सैंपल जो है यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। ओके गैलरी में आते हैं। तो ये मैंने अभी फ़ोटो ली है, अभी थोड़ी देर पहले, पोर्ट्रेट मोड इस्तेमाल करते हुए फ्रंट कैमरा से। तो जैसा कि आप देखेंगे बैकग्राउंड अच्छा खासा ब्लर हुआ है, तो मैं इसे अच्छा ही कहूँगा, कहीं से ख़राब तो नहीं कहूँगा। और ये मैंने एक ली है नॉर्मल फ़ोटो फ्रंट कैमरा से, ये भी ठीक ठाक आई है। और यहाँ पर मैंने एक और फ़ोटो, ये क्या हो गया फ़ोटो में, ये पता नहीं भाई फ्रेम में फ़ोटो के क्या हो गया, फ़ोटो पे पूरी लाइनिंग आ गई। आई थिंक ये कैप्चर करने में कुछ इशू हुआ होगा, तो उसे इग्नोर करते हैं और छोड़ देते हैं। बाकी जो वीडियो है, वीडियो भी सही रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, ये इसमें आवाज़ नहीं सुनाऊंगा, बस आपको क्लिप दिखाऊंगा। हाय दिस इज यूसुफ फ्रॉम ओके ठीक है, ये मैंने किसी और के लिए बनाई थी, तो ये मैं आपको पूरा नहीं दिखाने वाला, भगा भगा के थोड़ा सा दिखा दूंगा। तो लाइट जो है इसमें काफ़ी अच्छी आ रही है, और ये भी सही काम कर रहा है, ठीक है। ये मतलब आउट बाहर का है, और ये रूम के अंदर का है, ये भी यहाँ पे सही काम कर रहा है, इसमें भी कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो कैमरा में कोई ख़ास अपडेट तो नहीं हुआ है, बट पुरानी चीज़ें यहाँ पे ख़राब नहीं हुई हैं, ये अच्छी बात है, जो जो अच्छी बात है। बाकी सारी चीज़ें सही वर्क कर रही। अभी आपने देखा, पता नहीं ये बार बार खुद से क्यों लॉक हो जा रहा है, मुझे नहीं पता। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं पबजी और कैमरा वगैरह के
पबजी नहीं, पबजी और गेमिंग, पबजी गेमिंग तो एक ही चीज़ है, पबजी और यूट्यूब और बैटरी ट्रेन की जो मेन कंप्लीट मेरी वीडियो है वो हम लोग देखते हैं आगे चल के। बैटरी जो है यहाँ पे स्टिल अभी 11% बची हुई है और रात के बज गए हैं करीब करीब 2:32, ठीक है। तो अब बैटरी किस तरह ड्रेन हुआ है वो मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप दिखाऊंगा, शॉर्ट क्लिप बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है। तो जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखना चालू किया था तो उस टाइम 11:39 हो रहे थे और बैटरी मेरी करीब करीब 75% थी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने करीब 2 घंटे वीडियो देखे और फाइनली उस वक्त 1:44 हो रहे थे जब मेरी बैटरी डाउन होकर के बच गई थी सिर्फ और सिर्फ 31%, ठीक है। तो मैंने फिर थोड़ी देर पबजी खेल लिया, लाइक आधा घंटा समथिंग। तो 7:30 बजे से चार्जिंग स्टार्ट हुआ था, 10:20 में चार्जिंग फिनिश हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसने चार्जिंग में। अब 10:20 से आप जोड़ लें तो 11:20, 12:20, 1:20, 2:20, तो 4 घंटा मेरा फ़ोन चला है। 4 घंटा अगर चल गया, 4 घंटा थोड़ा ज़्यादा चला है, अभी भी बैटरी है, तो आप कह सकते हो कि अप्रॉक्स वैल्यू 4.5 घंटा। तो मेरे हिसाब से बैटरी जो है बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रूव हुई है, बैटरी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन चार्जिंग स्पीड डिक्रीज़ हुई है। कैसे हुई है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा। ओके भाई लोग, तो मैंने फ़ोन जो है 0% चार्ज करके चार्जिंग पे लगा दिया है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 7:50 हो रहा है रात का, और ये मेरा जो है ये मेरा वोल्ट मीटर है, ये बताता है कि कितना परसेंट चार्ज, मतलब सॉरी कौन सा पावर दे रहा है चार्जिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ ये फास्ट चार्जर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। देखेंगे आप 8 वोल्ट जो लिख रहा है, 8.13 वोल्ट ये चार्जर का है, और एम्पेयर सपोर्ट जो हो रहा है वो 1.5249 इस तरह से एम्पेयर सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। यानी लगभग 1.5 एम्पेयर की जो है चार्जिंग करंट पास कर रहा है हमारा अडेप्टर हमारे फ़ोन को इस नए अपडेट में। तो चार्जिंग जो है वो जल्दी ही हो जाएगी, आई थिंक 1.5 घंटे के अंदर में फ़ोन जो है लगभग लगभग फुल चार्ज हो जाएगा। फिलहाल अभी जो है 3% क्या बोलते हैं, फ़ोन चार्ज हुआ है, और मैं दिखा दूं अंदर अबाउट में भी कि कौन सा ये है एंड्रॉयड वर्जन, क्योंकि कुछ लोगों को सबूत चाहिए होता है। तो यहाँ पे बढ़िया से देखोगे तो 9/6/4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं वीडियो स्किप करता हूँ और 10 मिनट बाद दोबारा से स्टार्ट करूँगा और दिखाऊंगा कि 10 मिनट में कितना फ़ोन चार्ज हुआ। तो भाई यहाँ पर जो अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो 8:01, यानी कि अप्रॉक्स 10 मिनट हो गया है, 10 मिनट में 7% चार्ज हुआ है फास्ट चार्जिंग से। तो अब ज़रा मुश्किल लग रहा है कि ये 100% कब तक होगा, तो अब देखता हूँ इसके आगे, फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर से आपको दिखाऊंगा कि कितना हुआ। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो है अप्रॉक्स 34 मिनट के आसपास हो गए हैं टोटल टाइम अगर देखा जाए तो, और अभी जो है बैटरी जो है यहाँ पर करीब करीब 24% चार्ज हुई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 1 घंटा पूरा होने के बाद कितना चार्ज होता है। वैसे फ़ोन अभी तक जो है बहुत हीट हो चुका है, पहले और ज़्यादा था, अभी जो है बहुत कम है। ओके, तो अब जो है 9:10 नहीं 9:00 कन्फर्म 9 मिनट हो चुके हैं, और यहाँ पर जो बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है करीब करीब 53%। तो मेरे हिसाब से ये कैलकुलेशन जो है स्लो चल रहा है, ठीक है, और ज़्यादा जल्दी चार्ज होना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि 1.5 घंटे के बाद फिर क्या होता है, ठीक है। ओके, तो फाइनली अब जबकि 2 घंटा 25 मिनट जब हो गया है, क्योंकि हमने जो है 7:50 के अप्रॉक्स में शुरू किया था, तो 7:50 से 8:50 1 घंटा, 9:50 2 घंटा, और बाकी के टाइम मिला करके 25 मिनट अप्रॉक्स। तो 2 घंटा 25 मिनट यानी कि बहुत ज़्यादा हो गया भाई, 2.5 घंटा के अप्रॉक्स हो गया। तो चार्जिंग स्पीड यहाँ पर जो है स्लो हो गई है, मैं कन्फर्म ये बात आपको कह सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे की टेस्ट की ओर बढ़ते हैं, हालांकि अभी भी 99% हुआ है, और अभी जो है फ़ोन वो हीट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी हीट नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। हीट जो था वो 70-80% के आसपास तक काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद जो है हीटिंग प्रॉब्लम वो एकदम कम से कम हो गई। ओके, तो फाइनली अभी यानी कि 10:20 पे कंफर्म 100% हुआ है, और इस टाइम से आप काउंट कर लो एक्सट्रीम टेस्टिंग के, मैं जो है बैटरी डाउन करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं 1 घंटे PUBG खेलूंगा और देखूंगा कि 1 घंटे PUBG खेलने के बाद फुल स्क्रीन फुल ब्राइटनेस पर कितना बैटरी डाउन होता है। तो यहाँ पर मैं इंटरनल नेट नहीं यूज़ करने वाला हूँ, वाईफाई यूज़ करने वाला हूँ, तो थोड़ा कम ही डाउन होगा, क्योंकि वाईफाई में नेट वैसे भी थोड़ा कम डाउन होता है। तो यहाँ पर मैं पबजी ड्रेन, पबजी गेम के साथ बैटरी ड्रेन के साथ दोनों मिला के रिव्यू देने वाला हूँ कि पबजी कैसा चल रहा है और बैटरी ड्रेन कितना हो रहा है।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पबजी के ग्राफिक्स को लेकर के। पीयूबीजी के ग्राफिक्स में जैसा कि आपको पता है कि ग्राफिक्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर स्मूथ या मीडियम मोड में ही आप चला सकते हैं। HD, HDR और अल्ट्रा HD वगैरह काम नहीं करता है। हालांकि ये फ़ोन सपोर्ट करता है 1080p, लेकिन 1080p पे आप गेम नहीं खेल पा रहे हैं, बल्कि 4K सपोर्टेबल फ़ोन है, बट आज भी हमें गेम में अच्छा सपोर्ट देखने को नहीं मिला है। तो ये दुख की बात है और ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। ओके तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 1 घंटे से ज़्यादा पीयूबीजी खेल लिया है। अभी 75% बैटरी है और 11:29 हो रहा है, तो यानी कि 10:20 में मैंने शुरू किया था और 10:11:29 हो रहा है, तो 1 घंटा 9 मिनट के अप्रॉक्स जो है मैंने यहाँ पर पीयूबीजी खेल लिया है। तो इतना टाइम मेरे हिसाब से काफ़ी होता है, और इतने टाइम में अगर 25% बैटरी डाउन हुई है तो आई थिंक कि बैटरी जो है इंक्रीज हुई है, बैटरी लाइफ इंक्रीज हुई है, लेकिन चार्जिंग स्पीड भाई बहुत स्लो है। तो अब देखते हैं कि ये 75 से भाई 0% और कितनी देर में होता है। तो इसके बाद अब मैं इस पे एक मूवी या फिर कुछ सीरियल्स देख लूँगा अप्रॉक्स 1 घंटे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। ओके दोस्तों, तो मेरी बैटरी जो है 11:39 पे अप्रॉक्स 73% थी, और 1 घंटे यूट्यूब चलाने के बाद अभी जो मेरी बैटरी बची है वो 12:43 पर करीब 53% बची है, यानी कि 20% बैटरी डाउन हुआ है अप्रॉक्स 1 घंटे में। तो अभी भी मेरे पास 53% बैटरी है और मुझे उसको भी डाउन करना है। और मैं यहाँ पर भी यही कहूँगा कि स्पीड जो बैटरी की ड्रेन होने की है वो पहले से इम्प्रूव हुई है, लेकिन चार्जिंग स्पीड स्लो हो गई है। तो दोस्तों एट लास्ट 2 घंटे करीब पीयूबीजी खेला, 2 घंटे करीब मूवी देखी मैंने, और फाइनल जो कंक्लूजन आया 10:20 से हमने शुरू किया था देखना और 2:53 पे जा करके ख़त्म हुआ। तो 10:20 से 11:20, 12:20, 1:20, 2:20, 4 घंटा 34 मिनट के अप्रॉक्स जो है हमारी बैटरी चली। कैमरा लाइफ भी इम्प्रूव हुआ है और हेडफोन जैक में प्रॉब्लम हुआ है, ब्लूटूथ अच्छा हो गया है और बाकी सारी चीज़ें एकदम सही वर्क कर रही है। फेस अनलॉक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले के बनिस्बत कैमरा वगैरह अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन उसमें हमें कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं बैटरी जो प्रूफ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेटिंग के अंदर ले जाके कि बैटरी कितनी बची है, कितनी चली है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, स्क्रीन ऑन टाइम 49 सॉरी 49 सेकंड 49% का है। कॉल स्टैंड बाय जो है वो बहुत ही कम है क्योंकि मैंने बात ही नहीं किया था, बट फ़ोन तो स्क्रीन इसका ऑन था, तो ऑन होने में जो हमारी बैटरी है वो अप्रॉक्स 49% चली गई। पीयूबीजी में हमारी 14% बैटरी गई, एंड्रॉयड सिस्टम ने 11% ले ली, यूट्यूब में 10% गई। अब ग्राफ भी देख लो, 4 घंटे 32 मिनट तक बैटरी चली, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बैटरी लाइफ जो है इंक्रीज़ हुई है, जिसमें वाईफाई के अंदर भी बैटरी डाउन हुई क्योंकि मैंने नेट जो है वाईफाई से चलाया था। तो अप्रॉक्स आप 4 घंटे मान सकते हैं कि अगर आप खुद से अपनी नेट से यूज़ करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, गुड मॉर्निंग, क्योंकि वीडियो शूट करते करते 3:08 हो गए हैं, ये वीडियो 6 बजे सुबह में अप्रॉक्स पब्लिश हो जाएगी।